नमस्कार, मैं स्वर्ण अडानी, एडिटर न्यूज़ टाइम 24, अपने सभी दर्शकों को नवरात्र और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पुलिस की निष्क्रियता और अंधविश्वास का ऐसा तालमेल दिखा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बलिया में काफी लंबे समय से महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले हौसला बुलंद चलते फिरते ढोंगी इतना सक्रिय हैं कि दिन दहाड़े महिलाओं को अंधविश्वास के झांसे में लेकर महिलाओं से उनका जेवर, उनकी आंखों में धूल झोंक कर अचानक जादूगर की तरह गायब हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र लोहा पट्टी रोड की रहने वाली महिला का है, जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दो युवक ने मंदिर से घर जा रही महिला के आंखों और दिल दिमाग पे अंधविश्वास का ऐसा धूल झोंकते हुए उसके बेटे की ग्रह नक्षत्र ठीक करने की नसीहत देते हुए उसके कान का कुंडल और मंगलसूत्र निकाल कर अचानक गायब हो जाते हैं। हालांकि इस घटना का वीडियो संयोजक के सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हो जाती है। महिला ने अपनी आपबीती घर के परिजनों को बताया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी शिकायत पत्र दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। स्वर्ण रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। तो उन्होंने फिर बोलने लगा कि आपके लड़के पर भारी संकट आने वाली है, तो आप कपूर ले आइए। तो हम बोले कपूर, हम तो मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो हम यहीं से ले देते हैं, किराना की दुकान है छोटा सा। तो बोला नहीं, यहाँ से लाइए, 10 कदम चल के लाइए, चलने पर ज्यादा वो वहाँ से होगा। तो हम 10 कदम चल के बालेश्वर नंदी के पास से कपूर लाए, तो कपूर लाए तो बोले 3 रुपया आप मिलाइए, 2 रुपया ये मिलाएंगे। तो हम बोले हम 3 रुपया क्यों मिलाए, 2 रुपया दिए, 3 रुपया वो लड़का दिया, एक लड़का और था, तो 5 रुपया मिला के कपूर लिया। बोला हम हरिद्वार में जाके इसको जला देंगे तो आपका सब संकट दूर हो जाएगा। फिर इधर से जाकर के उस पार चला गया वो लड़का। जब हम कपूर लेके आए तो देखे कि वो है नहीं, लेकिन एक बाइक से हम उस लड़के को देखे थे, दूसरे लड़के को। फिर उधर वो चला गया, हमने वो कहाँ चला गया बोल करके, तो फिर हम वहाँ चले गए। तो वहाँ गए तो वो बोल रहा है फिर कि मुट्ठी बन के लिए, मुट्ठी बन करके आँचल के अंदर डाल लेते। सो आपको जब से गर्भ में ये बच्चे रहे हैं तब इसको अपना दूध पिलाई है, तब से इसको गढ़ा संकट छेक रहा है। सो आप भला चाहती हैं ना बच्चे को, तो आप अभी नवरात्र चल रहा है, 5 दिन पूरा हो गया है, 4 दिन और बाकी है, तो आप ऐसा कीजिए कि 10 कदम जा करके माँ दुर्गा से कहिए कि मेरे बच्चे का संकट टाल दीजिए, हम आपसे गलती की क्षमा चाहते हैं। फिर उसके बाद में कहा कि आप स्वर्ण पहनी है, ये सब खोल दीजिए। तो हम कहे कि ये सब क्यों खोले, अब खोले तो हम फिर कहाँ रखेंगे, हम परसों से लाए नहीं है। तो बोला खोल दिए, तो खोल के हम ब्लाउज में रख लिए, बाली खोले, अंगूठी खोले, तो उसके सामने खोल रहे थे। तो वो बोले ना कि नहीं यहाँ मत खोलिए, उधर जाके खोलिए ना, कोई देख लेगा। तो हम उधर एक चूड़ी का दुकान है वहीं गेट के पास खोलने लगे, खोल के फिर रुमाल में उसको बांध लिए, बांध के फिर हम अपने ब्लाउज में रख लेंगे, गिर उड़ जाएगा। फिर बोला उन्हें ब्लाउज में नहीं रखिए, फिर अपने हाथ में वो ले लिया, हाथ में ले करके फिर वो बोला कि 10 कदम चलिए, 51 कदम चलिए, 51 कदम चलने पर आपका संपूर्ण हो जाएगा। एक लड़के भी था उसको भी यही बात कहा, तो 4000 कितना रुपया लिया था, तो वो बोला कि वो हमारे हाथ में वो लड़का रुपया लिया, और वो लड़का रुपया दे करके वो 10 कदम चला और उसको हनुमान जी और माता रानी का फोटो दिखाई दिया उसके हाथ में, तो दिखाई दिया, उसके बाद वो आ गया, उसको रुपया मेरे हाथ से लेके उस लड़के को दे दिया। फिर हम सोना नहीं दे रहे थे, तो वो बोला नहीं दे दीजिए आप, डरिए मत, हम लोग थी ऐसा कोई इंसान कभी दुनिया में मिलता नहीं है बना कर वाला, तो आप 51 कदम जाइए उसको लगाइए। फिर पीछे मुड़ के हम देखते तो भाई नहीं है। तो जो भी आप मतलब क्या क्या आपका गायब हुआ? 2 बाली, मैंने बाली था कान का, अंगूठी था, मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र लगभग कितने का होगा सामान आपका? 1 लाख से ऊपर का ही। ये घटना कब की है? अब टाइम तो लगभग उतना नहीं फिलहाल बता, आज की घटना है, आज ही की घटना है, आज सुबह की घटना। काहे रे मैया
जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें तीज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल रसलपुर गया बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।